अभी तक आपने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलते देखा होगा, लेकिन आइए अब आपको एक बहू का बुलडोजर अटैक के बारे में बताते हैं। दरअसल यूपी के बिजनौर में जब ससुराल वालों ने बहू को घर में एंट्री नहीं दी तो महिला पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गई। पुलिस ने समझाया, धमकाया, फिर बहू को घर में जगह दिलाई। दरअसल महिला को 5 साल पहले ससुराल वालों ने निकाल दिया था। 5 साल तक कोर्ट में लड़ाई चली और बहू ने केस जीत कर अपना हक वापस ले लिया। ससुराल में एंट्री के लिए पहुंचा बुलडोजर। बुलडोजर देख ससुराल वालों के उड़े होश। अम्मा, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, माने उस तक सुनो मेरी बात। बहू को मिली ससुराल में एंट्री। यूपी में बुलडोजर का कितना खौफ है ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल बिजनौर में एक महिला पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर अपनी ससुराल पहुंची तो हड़कंप मच गया। ससुराल वाले घर का दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन बुलडोजर देखा तो दरवाजा अपने आप ही खोल दिया। कोई फायदा नहीं, अम्मा खोल दीजिए, अम्मा हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, पुलिस ससुराल वालों से दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। कोई फायदा नहीं, अम्मा खोल दीजिए, अम्मा हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय, सुनो मेरी बात, उच्च न्यायालय का आदेश है, लगा दिया। हाँ बोलो, आ जाओ बहन जी, आ जाओ, आज ये कोई फायदा नहीं, ये केस संविधान से चलता है, आपको अपनी बात रखनी है तो न्यायालय में रखें। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल नूतन नाम की महिला को ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया था। नूतन ने 5 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला के हक में फैसला सुनाते हुए पुलिस को ससुराल में एंट्री दिए जाने का आदेश दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर उस महिला को ससुराल के घर में प्रवेश दिलाया गया। अब सभी लोग शांति से रह रहे हैं और स्थिति सामान्य। फिलहाल नूतन ससुराल में पहुंच चुकी है। नूतन को घर में एंट्री तो मिल गई, लेकिन दरवाजे पर अभी भी पुलिस का पहरा है ताकि कोई फिर से गुस्ताखी ना कर सके। बिजनौर से राजीव चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।